अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। I'm sorry. दो मिनट नहीं निकाल सकते तो तुम अपनी बिजी लाइफ से मुझे ये बताने के लिए कि कौन सी मेहंदी की डिजाइन अच्छी लगेगी? तो क्या फर्क पड़ता है, शौर्य ने बता दिया ना कौन सा डिजाइन पसंद है। Just shut up. चलो, let's play the game. तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी किसी से बात करता तू बीच में क्यों आ जाता है? राजवीर लिसन, अब मुझसे लड़के मेरी बहन की मेहंदी खराब मत करना, ओके? जितनी काव्या तेरी बहन है उतनी मेरी भी बहन है। राजवीर, हमारी बात हुई थी ना इस बारे में, राइट? हाँ, हमारी बात हुई थी, लेकिन अब मैं मना कर रही हूँ कि तुम ये शादी मत करो। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, वाइफ हूँ मैं तुम्हारी। क्या कर रही हो? तेज मत बोलो, कोई सुन लेगा, पागल हो गई हो? ठीक है, मैं जाकर सबको बताती हूँ। लिसन लिसन लिसन, आई लव यू, हाँ आई लव यू, यू नो ना, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, प्लीज प्लीज जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड। If you love me, तो तुम यहाँ पे मेहंदी का फंक्शन नहीं करते। वो तो अच्छा हुआ कि मैं दुबई से आ गई और मुझे सब पता चल गया, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इंसान कौन? तुम हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस तुम रखती हो, you know it, right? मैं अगर इम्पोर्टेंट होती ना तो तुम ये सब नहीं करते जो कर रहे हो। ये आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, पर लग रहा है जैसे कोई झगड़ रहा है। एक मिनट, कोई आ रहा है। वरुण, प्लीज मत जाओ इस फंक्शन में, प्लीज। मेरा क्या होगा? कौन है यहाँ? अरे, आवाज तो यही से आ रही थी। बेब्स, यार तू यहीं बैठी है, तूने तो कहा था तू नीचे आ रही है। हाँ, मैं आने वाली थी, बट यू नो रूम मेरे को ना अच्छा सा नहीं लग रहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। और काव्या का इतना बड़ा दिन है, मैं उसको बोल नहीं पा रही थी, इसलिए मैं सबको यही कहती रही कि मैं आती हूँ, बट आई नीडेड सम रेस्ट। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तू वही है ना माई फ्रेंड दी निधि हिंदुजा, या फिर सिर्फ चेहरा उसका है और उस चेहरे के पीछे कोई और? तुझे हो क्या गया है यार, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? तुझे क्या हो गया है, तू क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है? हाँ मैं वही हूँ, तुझे पता है और मुझे भी पता है कि मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या क्या कर सकती हूँ,
और वो सब करने से मेरी लाइफ मुझे कहाँ ले गई थी ना, वो भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और तू भी बहुत अच्छे से जानती है। अब फैमिली खुश है तो ठीक है, आई एम ऑल्सो हैप्पी ना, एवरीथिंग इज फाइन। तू मुझसे ऐसे मत बात किया कर, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हीप्स, इट्स यू माय बेस्ट फ्रेंड और मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आई केयर फॉर यू बेब्स, तो मैं तुझे जो भी कहूंगी ना तेरे अच्छे के लिए ही कहूंगी और यू हैव टू लिसन टू मी। बेब्स, मैंने प्रीता और करण के बीच कुछ देखा है। जो भी देखा है उसे जाने दे, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं बेब्स, देख प्रीता की याददाश्त चली गई है, उसे तो कुछ भी याद नहीं है, तो हम उसे कोई भी नई कहानी सुना सकते हैं, जैसे तेरी और करण की कहानी, तुम दोनों की लव स्टोरी, तू करण से और वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर, और वो विश्वास भी कर लेगी क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं है और अपनी हद में रहेगी, और अगर करण उसके नजदीक आने की कोशिश करता है तो वो उसे रोकेगी। ट्रस्ट मी बेब्स, ये आइडिया वर्क जरूर करेगा। आई नो बेब्स, अब तू प्रीता से पीछा तो नहीं छुड़ा सकती क्योंकि उसके साथ करण खड़ा है, और प्रीता को तो ये बात पता भी नहीं है। देख, प्रीता को करण से दूर रखने के लिए उसे ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है, तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। तो इससे होगा ये कि अगर करण प्रीता के नजदीक जाने की कोशिश भी करता है ना, तो शी विल फील लाइक करण उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने की कोशिश कर रहा है, और प्रीता तो है ही आइडियल वुमन, वो अपने आप पीछे हट जाएगी। आराम से हाँ? क्या है ये सब, क्या कर क्या रहे हो तुम? तुम्हें बचा रहा हूँ मैं। किससे? बोलो किससे बचा रहे हो मुझे? नहीं बचना बचना मुझे बस मेरा हक चाहिए। और आराम से प्लीज काम डाउन, आराम से बोलो, कोई आ जाएगा। प्लीज मेरे साथ ये सब मत करो। क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा, मेहंदी हो रही है, शादी करने वाले हो, पूछ रहे क्या कर रहा हूँ मैं? बेबी बेबी बेबी, तुम्हारी मेरी शादी तो ऑलरेडी दुबई में हो चुकी है ना, राइट? दुबई में सब जानते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी फैमिली जानती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, यहाँ कौन जानता है? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।